हेलो फ्रेंड, मैं रेनू। और आप सब कैसे हैं? ये देखिए फ्रेंड, मेरे रोज़ कितने अच्छे खिलने लगे हैं। फ्रेंड देख सकते हैं आप, कितने प्यारे प्यारे फ्लावर खिले हुए हैं चारों तरफ से। देखिए कितनी अच्छी बर्ड्स आई है इसमें। और देखिए देखिए चारों तरफ बहुत अच्छी फ्लावरिंग दे रहा है मुझे। ये देखिए फ्रेंड, जितने फ्लावर इसमें खिले हैं उतने ही ज़्यादा अभी इसमें बर्ड्स हैं फ्रेंड्स। और ये देखिए, ये मेरा रेड कलर का देसी है और ये भी मुझे उसने देसी ही कह के दिया था फ्रेंड्स, मगर ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। बिल्कुल देखिए पूरा भर जाता है। गर्मी में तो इसमें बड़े छोटे छोटे फ्लावर खिलते हैं, मगर विंटर आने पे थोड़े फ्लावर बड़े हो जाते हैं। अभी और बड़े होंगे फ्रेंड, बहुत अच्छा लगता है। ये बिल्कुल फूल से भरा रहता है फ्रेंड्स। और ये देखिए, ये भी हमारे देसी हैं जो खिलना स्टार्ट हो गए। और ये हमारा ब्यूटीफुल जरबेरा। ये देखिए फ्रेंड, मेरे कैलेंडुला में कितनी अच्छी बर्ड्स आ रही है और सब खिलने के लिए फिर से तैयार है। और मैं दिखाती हूँ आपको, पिटूनिया भी खूब अच्छे से मेरा खिलने लगा। इसने देखिए पूरा पॉट भर लिया है। वो जेरेनियम भी, सब प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए आप, और कितनी अच्छी फ्लावरिंग होने लगी इनमें। देखिए पिटूनिया बहुत हार्डी प्लांट होता है और बड़ी अच्छी फ्लावरिंग करता है फ्रेंड। बस इसको पानी कम चाहिए, आप इसमें पानी कम दीजिए और इससे बहुत अच्छी फ्लावरिंग आप ले सकते हैं मार्च अप्रैल तक फ्रेंड्स। ये मार्च अप्रैल तक आसानी से चल जाता है फ्रेंड्स। ये डायंथस भी परमानेंट रहता है, बस थोड़ी सी केयर के बाद ये आपको अच्छी फ्लावरिंग देता है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है साल्विया प्लांट। तो चलिए फ्रेंड, आज अब बात करते हैं अपने ब्यूटीफुल साल्विया पे। देखिए फ्रेंड, मेरा साल्विया कितनी अच्छी ग्रोथ पे है। अभी देख रहे हैं आप कितनी अच्छी से, देखिए फ्लावरिंग कर रहा है। और कल मैंने जितने भी पुराने फूल थे इसके, उसकी मैंने स्टिक काट दी है फ्रेंड। और ये देखिए नए फ्लावर आ रहे हैं और नीचे नीचे से भी आप देख रहे होंगे इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी है और कितनी अच्छी फ्लावरिंग ये दे रहा है फ्रेंड्स। देखिए प्लांट भी बहुत ही हेल्दी, बहुत ही खूबसूरत है रेड कलर का। साल्विया के और भी कलर आते हैं, वाइट आता है, पर्पल आता है। पिछली बार मैंने लगाया था फ्रेंड वाइट और पर्पल, और पिंक शेड भी इसका आता है। इसमें कई शेड होते हैं फ्रेंड, मगर ये रेड कलर का बहुत ही खूबसूरत लगता है फ्रेंड। रेड कलर का अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और ज़्यादातर घरों में रेड कलर ही लगाया जाता है। ये सिर्फ मेरा एक ही प्लांट लगा हुआ है फ्रेंड, आप देख सकते हैं। और इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी है, बहुत प्यारा है। विंटर में इसको हल्की सी धूप में आप रखिए और इसको जो है मिट्टी एकदम वेल्ड्रेन बनाइए। एक पार्ट काउडंक लेके, एक पार्ट रिवर्स एंड, एक पार्ट रिवर्स एंड काउडंक और एक पार्ट गार्डन सॉइल लेके थोड़ा कंपोस्ट मिला लीजिए फ्रेंड। और मैं सिर्फ मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स में देती हूँ फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं मेरे प्लांट्स की ग्रोथ कितनी ही अच्छी है फ्रेंड्स। मैंने देखिए इसकी कटिंग भी लगाई थी डंठस की, और ये देखिए ये मेरी बॉटल में लग गई। ये पता नहीं क्यों तिरछी विरछी जा रही है, तो मैंने इसको मिट्टी में ही दबा देना ठीक समझा। देखती हूँ शायद रूटिंग शुरू हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से मुझे फ्लावरिंग मेरे प्लांट्स देते हैं फ्रेंड्स। मैं बता भी नहीं सकती हूँ, मैं तो इतनी आशा भी नहीं करती हूँ, इतनी होप भी नहीं करती हूँ, मगर फिर भी मुझे बहुत अच्छी फ्लावरिंग देता है फ्रेंड। आप इसमें पानी दिन में एक बार ज़रूर दीजिए चेक करके फ्रेंड। अगर आपकी मिट्टी सूखी है तो आप इसको पानी दे सकते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड, फिर मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खूबसूरत साल्विया का अपने गार्डन में स्वागत करिए फ्रेंड। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और बहुत ज़्यादा प्यारा प्रीटी लगता है फ्रेंड्स, और आप इसे ज़रूर लगाइए। मैं इसके और कलर देखूंगी, अगर मुझे हेल्दी प्लांट मिलेगा तो मैं ले आऊँगी। मैंने लास्ट ईयर लगाया था। तो फ्रेंड चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड, हैप्पी गार्डनिंग।